नमस्कार, मैं शुभाशीष और ये नया एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और हम लोग आज बात करेंगे सिल्क रूट के बारे में। जो लोग प्लान कर रहे हैं सिल्क रूट जाने की, सिल्क रूट घूमने की और बहुत सारे मस्ती करने की, वो लोग को ये वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप सिल्क रूट जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। वो मैं इस जो वीडियो है इसमें पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे जाना है और कब जाना है और कहाँ का एकोमोडेशन क्या आपको मिलेगा वहाँ पे। तो ये वीडियो के साथ अगर जुड़े रहेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियोस डाला था सिल्क रूट के बारे में मेरे चैनल पे, ये चैनल पे, तो मुझे बहुत सारा मतलब मेल वगैरह आया, कमेंट वगैरह सब जैसा आता है कि सिल्क रूट के बारे में आप तो सब कुछ दिखा रहे हो, वीडियोस दे डाल रहे हो, तो बता दो आपको कि ये जाएंगे कैसे, कहाँ से जाना है, कैसे करना है। तो ये सब आता है कि कोई अगर सिल्क रूट जाने की प्लान कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, कितना दिन लगेगा ये घूमने का, ये टूर को बनाने के लिए पूरा। तो मैं यही सब कुछ लेके आज ये टॉपिक में बात करूँगा। तो अभी शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, आप अगर नया है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। आप देखना मेरे चैनल के जो वीडियोज़ है, आप जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, वो वीडियो के ठीक नीचे आपके दाहिने साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, वो बटन को आपको दबाना है। और क्या उस सब्सक्राइब बटन जब दबाएंगे तो क्या होगा, ऊपर एक घंटी आ जाएगा, उसको अगर दबाएंगे तो क्या होगा, मैं जब भी नई कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करने मत भूलिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका चॉइस है। और प्लीज़ कॉमेंट छोड़ना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो में आपको क्या मिस लगा, और कुछ अगर एक्स्ट्रा जानना है सिल्क रूट के बारे में तो भी आप बता सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत जल्दी ये वीडियो मैं कवर कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं सिल्क रूट आप कब जाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए सिल्क रूट अगर आप जा रहे हो विंटर सीजन में तो आप जनवरी के मिडिल तक सिल्क रूट सेफ है जाने के लिए, उसके बाद सिल्क रूट बंद हो जाता है, आप जा नहीं सकते। और फिर मार्च के एंड तक सिल्क रूट बंद रहता है, उसके बाद खुल जाता है। अप्रैल में जाओगे तो बहुत सारा बर्फ मिलेगा आपको, बहुत ठंडा भी रहेगा। अप्रैल से जुलाई के 15 तक सिल्क रूट खुला रहता है, उसके बाद सिल्क रूट का जो रोड है, रोड कॉन्डिशन खराब हो जाता है, मानसून आ जाता है, रेनी सीजन, तो उस टाइम में आप जा रास्ता अगर खुला रहेगा तो कभी भी जा सकते हो, लेकिन सेफ नहीं है फैमिली को लेकर जाना। तो ये आपका सितंबर लास्ट तक ठीक हो जाता है पूरा रोड कंडीशन, तो सितंबर फर्स्ट या सेकंड तक बंद रहता है या मानसून चलता रहता है, उसके बाद आप जा सकते हो। पूजा के टाइम में, जो दुर्गा पूजा के टाइम होता है, उस टाइम में तो हरे मतलब बहुत, वो टाइम सबसे अच्छा टाइम है जाने के लिए, सबसे ज्यादा लोग उस टाइम में जाते हैं, वो सीजन है बोल सकते हैं। और विंटर में भी लोग जाते हैं, उसके बाद से जनवरी तक मिडिल तक जाते हैं लोग, विंटर बहुत ठंडा है, तो अगर आप जाने की प्लान कर रहे हो तो विंटर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा वगैरह लेके जाना। नवंबर के एंड से दिसंबर के फर्स्ट तक, दिसंबर के मिडिल तक बहुत ठंडा रहता है, उसके बाद बर्फ पड़ना चालू हो जाता है, ठंडा और भी बढ़ता है। तो अगर आप जा रहे हो और बच्चे लोगों को अगर लेके जा रहे हो तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो हाइट है बहुत ऊपर है और उसके साथ ठंडा भी बहुत पड़ेगा, यहाँ पे पूरा जो ईयर रहता है उसमें ठंडा रहता है, लेकिन विंटर में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो हर एक टाइम में अगर आप मानसून में जा रहे हो, अगर समर में जा रहे हो, अगर विंटर में जा रहे हो, कभी भी जा रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा कपड़ा वगैरह लेके जाना। विंटर में जा रहे हो तो एक्सट्रीम ठंडा पड़ता है, बर्फ भी आपको मिलेगा। और बाकी समय में अगर जब जा रहे हो तो कपड़ा अच्छा लेना है, क्योंकि पूरा जो ऑल्टीट्यूड तो हाई है तो पूरा सीजन ही ठंडा रहता है। अब एक बात आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो थोड़ा लिमिटेशन बरकरार रखना चाहिए। मैं तो मतलब हर एक सीजन में जाके देख चुका हूँ। रेनी सीजन में लोग जाते हैं फ्लावर्स वगैरह देखने को, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं, बहुत वैली वगैरह पूरा भरा रहता है, बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनिश रहता है पूरा हिल्स, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं उस टाइम में। समर में भी जा सकते हो, समर में तो ज़्यादातर इंडिया की जो जगह है वो गर्म रहता है, तो वहाँ पर जाकर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, तो समर में भी जा सकते हो। तो अभी हम लोग जानते हैं ऑल्टीट्यूड के बारे में, कितना हाइट है। देखिए जुलुक बहुत ऊपर है, अगर आप जा रहे हो तो रोमली बाजार से अगर जाओगे तो सीधा 1.5-2000 फीट से ऊपर चढ़ोगे, 9,000 से 10,000 फीट, 9,000 फीट है जुलुक का। अगर आप अपर जुलुक में स्टे करोगे, अगर लोअर जुलुक में स्टे करोगे तो भी 7,500-8,000 फीट इसका हाइट है, तो ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है।
उसके बाद जितना ऊपर जाओगे नाथन वैली बोलो ये कुपुप लेक जो वो 14,000 फीट ऊपर है, जो कुपुप लेक 14,400 फीट बहुत ज़्यादा हाइट है। उसके बाद पूरा आपको जो रूट को कवर करना है वो फिर आपको आएगा 12,000 फीट 13,000 फीट, फिर जाके राउंड करके आपको गैंगटॉक में आके पहुँचोगे या तो आप वहाँ से लौट सकते हो। तो पूरा जो रूट है वो हायर ऑल्टीट्यूड है। तो अगर आप बच्चे लोगों को लेके जा रहे हो तो थोड़ा अच्छा प्रिकॉशन लेने, थोड़ा अच्छा दवाई लेने के खास के बहुत लोगों को होता है कि जब ऑल्टीट्यूड हाई में जा रहे हो तो जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस होता है, उल्टी होता है, किसी को सांस लेने का प्रॉब्लम होता है तो हो सकता है। तो आप लोगों को वो पहले से जानकारी मैं दे दिया कि आप प्रिकॉशन ले सको। अब जानना है अगर आप जा रहे हो तो कहाँ से जाओगे, कैसे जाओगे, ये क्वेश्चन आपको अब आएगा। ये लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि आप एनजीपी तक आ चुके हो। एनजीपी तक आने में आप फ्लाइट में आ सकते हो, फ्लाइट में आओगे तो बागडोगरा उतरना हो, ट्रेन में आ सकते हो या तो ऑन रोड आ सकते हो। एनजीपी तक आप आ चुके हो तो अब आगे क्या करना है। अगर आप आ चुके हो तो पहले से ये जान रखिए कि सिल्क रूट में ऊपर में जो रास्ता है वो थोड़ा खराब है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो जो आपको पहुंचने में 5-6 घंटा लग जाएगा या उससे भी ज़्यादा, कभी कभार लगता है, कभी कभार नहीं बहुत। मैं लास्ट टाइम गया था मेरा 7 घंटा लग गया ऊपर चढ़ने में। तो ये टाइम पकड़ के रखना चाहिए। तो अगर आप आ रहे हो एनजीपी तक या बागडोगरा तक तो कोशिश करिए मॉर्निंग आने की, 7 से 8 बजे तक या ज़्यादा से 9 बजे तक आपको पहुँचना है एनजीपी या बागडोगरा। उसके बाद आपको वहाँ से जो आप पहले से ट्रैवलर को बोल के रखे हो या तो कोई गाड़ी वहाँ पे अरेंज करोगे तो वो आपको लेके जाएगा ज़ुलुक तक। देखिए ये टूर जो होता है ये पैकेज में आता है ज़्यादातर, तो पूरी गाड़ी तो ऐसा होता है कि पूरा टाइम आपके साथ ही रहता है क्योंकि परमिट तो आपको बनाना होगा। तो पूरा जो है तो आपको पहले से ही आपको बुक करना है, कहीं से आगे जा रहे हो तो कोई भी ट्रैवलर को पकड़ो और उसको बुक करो। अगर आप एनजीपी पे उतर रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारा जो टूर पैकेज ट्रैवलर मतलब जो कंपनीज वगैरह होते हैं, जो ट्रैवलिंग जो एजेंट वगैरह होते हैं वो लोग कर देता है पूरा। तो उन लोगों को जो ड्यूटी है परमिट बनाना सब कुछ करना। तो अगर आप जा रहे हो मॉर्निंग पहुंच जाओ, 9 बजे 10 बजे तक आप जर्नी स्टार्ट करो। रोड थोड़ा खराब है तो मिडिल पे 2-3 बार ब्रेक ले सकते हो, मिडिल पे लंच भी करना है। तो अगर ऐसा अगर के जा रहे हो तो आप रुंगली बाजार तक आप 3-4 बजे तक पहुंच जाओगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4:30-5 मिनट। उसके बाद 2 घंटा लाएगा रुंगली बाजार से ज़ुलुक तक। रुंगली बाजार में आपका परमिट होगा रुंगली में, तो वो परमिट हो जाने के बाद आप ज़ुलुक के लिए आगे बढ़ सकते हो। अब अगर आप परमिट कर रहे हो तो आप मुझे क्वेश्चन करोगे क्या चाहिए परमिट के लिए। परमिट के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको देना होगा। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट ये सब आइडेंटिटी प्रूफ सब से लेता है, लेकिन आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लेता। तो आधार कार्ड पैन कार्ड आप लेके जाओगे तो वो वैलिड नहीं होगा, तो अवॉइड करिए वो चीज। तो आपको और एक चीज़ जानना है कि कौन से लोग वो जो रूट है वो जा सकते हैं। देखिए सिल्क रूट जो है वो 2007 के बाद चालू हुआ है, उसके पहले ये बंद था। पूरा बॉर्डर एरिया है तो ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शन ये एरिया पे है। बहुत जगह ऐसा है कि पहले आप जा सकते थे अभी नहीं जा सकते, कुछ दिन पहले चाइना का जो प्रॉब्लम हुआ था इंडिया के साथ। तो जो भी है फॉरनर्स लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन जो है इंडिया का जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है उन लोग भी सिर्फ जा सकते हैं सिल्क रूट। तो आपको ये पहले जाना, अगर आप बाहर से सोच रहे हो तो सिल्क रूट जाओगे तो ये नहीं होगा। तो मैंने सुना है कि कुछ फॉरेन मिनिस्ट्री से कुछ अगर परमिट आप लेके आओ तो हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात है, बहुत टफ भी है लेना। तो अगर आप इंडियन से जा रहे हो, इंडियन सिटीजन हो तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पहले आईडेंटिटी प्रूफ रखना है। और अगर आपका साथ कोई बच्चा जा रहा है तो वो 2-3 साल का तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि उसका तो कोई मतलब आईडेंटी प्रूफ नहीं होगा। तो आपको बन जाएगा पूरा, ये जो देता है 3-4 दिन के लिए देता है पूरा परमिट, आपको पूरा कवर करके या तो आप गैंगटॉक लौट सकते हो या तो आप वो रूट लेके नीचे आ सकते हो। तो ये रहा आपका परमिट का जो है वो मैं आपको बोल दिया। अब बात करते हैं एकोमोडेशन के बारे में। ये जो रूट है रोंगली तक आपको, रोंगली या रोंगली बाजार तक आपको कोई भी होटल या लॉज आपको मिल जाएगा। जुलुक कुपू नाथंग वैली में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सच में बोलता हूँ कि वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सब होम स्टे,
आप ये क्वेश्चन करोगे तो होम स्टे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से कॉन्टैक्ट मिलेगा, तो आपको सबसे जो इजी है अगर आप सर्च करोगे गूगल पे के जुलुक होटल या कुपुप होटल लाथंग वैली होटल, तो ज्यादातर ठीक ठाक नहीं मिलेगा, बहुत कम है, तो 5-10 में। तो मेरा ये मानना है गूगल मैप में जाइए, लिखिए जुलुक होम स्टे नाथंग वैली होम स्टे, तो आपको गूगल मैप में ही वो जो पॉइंट दिखेगा और उसके पॉइंट में अगर क्लिक करोगे वो उसके पॉपअप में आपको दिखाएगा कि वो नंबर वगैरह सब कुछ, तो आपको वो हर एक चीज को कॉल करके देखना है, हर एक नंबर को एक एक को पकड़ना, कॉल करके देखना कि वो पे उस टाइम में रेट क्या चल रहा है। ज्यादातर एक दिन के लिए फूड एंड एकोमोडेशन पर पर्सन रहता है 1000 रुपए के आसपास, तो मतलब पूरा लेके 1000 रुपए के आसपास रहता है, तो एक रात के लिए। तो खाना भी वहां पे वो जो होम स्टे वहां पे देते हैं, तो अगर आप जा रहे हो तो 2-3 जगह में कॉल करके देखना कि वहां पे रेट क्या चल रहा है, नहीं तो आपको बुद्धू बना सकते। तो वो ज्यादातर 900 से ले मतलब 1100 तक रेट रहता है पर डे पर नाइट, एक ही रहेगा हर एक जगह में। तो ये 4-5 दिन का टूर है, तो थोड़ा कॉस्टली भी है लेकिन बहुत अच्छा टूर है, हनीमून पैकेज के लिए तो बहुत अच्छा है और सब कुछ के लिए बहुत अच्छा है, मतलब सब कुछ मतलब अगर आप पार्टी करना चाहते हो, अगर आप गेट टुगेदर करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, सब कुछ के लिए जुलुक बहुत अच्छा है। जॉट डजली जुलुक, जुलुक कुकू नाथंग वैली सब कुछ अच्छा है, नाथंग वैली इज ऑसम, कुकू लेक इज ऑसम, जुलुक इज ऑसम। सो जुलुक ने बहुत जगह दिखने का जगह है, कुकू में लेक में भी दिखने का बहुत जगह, जैसे सराउंडिंग एरिया लेक बहुत सुंदर है और आप नाथंग वैली तो बहुत सुंदर है ही, वो बहुत वो जो वैली बहुत बड़ा है, विंटर में पूरा बर्फ में ढक जाता है, बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया वहाँ पे कहाँ पे रहना है और लंच डिनर ब्रेकफास्ट कहाँ से आपको मिलेगा, तो फूडिंग और लॉजिंग आपको पता चल गया। तो अगर आप जा रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से जानना बहुत जरूरी था, तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ। तो ये वीडियो आज इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नया नया वीडियो लाता रहता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो जरूर बताएगा मेरे कमेंट पे, और अगर बुरा लगा तो भी बताएगा, और कुछ जानना है एक्स्ट्रा तो मुझे प्लीज कमेंट में लिखना, मैं आंसर जरूर दूंगा। और मुझे मैसेज करना है, कमेंट करना कि कहाँ घूमे, और कुछ आप बोल भी सकते कमेंट में कि ये जगह के बारे में आप वीडियो बनाइए, इस जगह के बारे में आपको जानना है, तो आपको कमेंट में दे सकते हैं, मैं इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा। तो आज इतना ही, गुड बाय, शब्बा खैर, बहुत अच्छे रहिए।